हेलो स्टूडेंट्स, मैं मांशु पांडे, क्लास 11 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं इससे पहले वाले वीडियो आपने देखा होगा और उसमें दिए गए क्वेश्चंस को आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। आज हम लोग सेट थ्योरी के बारे में और आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग सेट थ्योरी में टाइप ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में टाइप ऑफ सेट, सेट के कौन कौन से टाइप होते हैं, सेट के प्रकार, समुच्चय के प्रकार। इससे पहले मैं आपको पिछले वाले वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कराना चाहता हूं। तो पिछले वाले वीडियो में हमने रिवाइज किया था, क्वेश्चन लगाया था कि जैसे मान लीजिए कोई सेट लिखा हो, यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन। यदि ऐसा कोई लिखा हो, x is such that x is equal to n upon n plus 1, where n is natural number, और condition है 1 is less than equal to n, ठीक है, या फिर हम इसको कर सकते हैं x such that year, इस तरह ये चीज। ये दिया हुआ और आपसे पूछा जाए इसमें 2/5 बताइए इस सेट में बिलोंग करता है कि नहीं, 2/5 इस सेट से बिलोंग करता है कि नहीं, तो आप लोग क्या करेंगे, पहले इस सेट का सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है, आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां कंडीशन दिया है एन जो है 1 से इक्वल या 1 से बड़ा हो सकता है, उससे छोटा नहीं। तो हम सबसे पहले एन की वैल्यू को 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1/1 + 1 यानी 2। फिर हम एन की वैल्यू को 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2/2 + 1 = 3। ऐसे ही आगे ये बढ़ता चला जाएगा। देखेंगे ना कि जब ये इस फॉर्म में लिखाया गया रोस्टर फॉर्म में, तो कहीं भी 2/5 नहीं आएगा, क्योंकि यहीं पर 2/3 आ रहा है। तो हम कहेंगे कि 2/5 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, इस तरह। यदि रहा होता तो हम लिखते हाँ बिलोंग, जैसे यहां पर 2/3 बिलोंग कर रहा है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है, हम इसको ऐसे लिखेंगे। क्लियर है, ये चीजें हमने आपने को पिछले वीडियो में बता दिया था, ठीक है। तो ये रिवीजन क्वेश्चन था, हमने इसको रिवाइज कर लिया। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट के बारे में। टाइप ऑफ सेट में हम लोग सबसे पहला सेट देखेंगे आपका, सबसे पहला सेट होगा वो होगा नल सेट। नल सेट इसको हम लोग एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। ये चीज अब नाम से पता चल रहा है कि नल सेट यानी इसके अंदर कुछ नहीं होगा, एम्प्टी होगा, खाली होगा। ऐसा सेट जिसके जिसके अंदर एक भी कंपोनेंट ना हो उसको हम लोग नल सेट बोलते हैं। इसको हम ऐसे दिखाते हैं या फिर ऐसे, ये नल सेट, ठीक है। नल सेट या एम्प्टी सेट को हम लोग ऐसे शो करते हैं। तो पहला आपका रहा नल सेट। अच्छे, इस पर हम साथ साथ एग्जाम्पल भी देखते चलेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं इस पे। जैसे मान लीजिए कोई सेट ए दिया है और उसके सामने 5 लिखा है, इसका मतलब कि सेट ए क्या है, एम्प्टी सेट है। अब आपके सामने डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख के आएगा, डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख के आएगा, कैसे लिख के आएगा, देखिए ये लिख के आएगा एक्स सच दैट यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4,
वेयर यक्स इज इवन नंबर ठीक है, ऐसे लिख के आएगा आपको। अब मान लीजिए ऐसे लिख के आ गया, इसमें कुछ कंडीशन डाल देते हैं, कंडीशन डाल देते हैं या क्यों होगा लेस देन होगा, चलो हटा देते हैं कंडीशन से कितना आ देते हैं। अब जब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, इस चीज को जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या देखेंगे कि ऐसा कोई इवन नंबर है, यह इस कंडीशन में कुछ भी लिखा रह सकता है, यक्स इज नेचुरल नंबर भी लिखा जा सकता है, यक्स इज एनी पॉजिटिव इंटीजर भी लिखा जा सकता है। अब हमको यह सोचना है कि क्या ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर -4 होता है, तो सोचेंगे नहीं ऐसा कोई नंबर होता, ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं जिसका स्क्वायर करें तो माइनस में आए, किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे भले वो माइनस हो तो स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो जाता है तो माइनस नहीं आएगा। यह एक टाइप का क्या है एम्प्टी सेट हो गया, यानी इसके अंदर कोई वैल्यू बिलोंग ही नहीं कर रही, कुछ वैल्यू है ही नहीं, जो कंडीशन लिखा उस कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है फॉर्मूला, समझ आ रही बात है। तो यदि इस कंडीशन को फॉर्मूला फॉलो करता तो हम कहते भाई चलो इसके अंदर कोई कंपोनेंट है, लेकिन इसके जो कंडीशन दिया हुआ है उस फॉर्मूले पर अप्लाई नहीं हो रहा, मतलब ए के अंदर कोई कंपोनेंट है ही नहीं, ए सेट के अंदर कोई कंपोनेंट नहीं है, क्लियर। यह एम्प्टी सेट का एग्जांपल हो जाएगा, बात समझ में आ रही है ना। और एग्जांपल देख लेते हैं, ये मान लीजिए पहला एग्जांपल ले लिए हम, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसे मान लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू, ऐसा बात समझ आई, कुछ भी ऐसा रॉन्ग इक्वेशन माइनस रूट टू लिख कर देते हैं, वेयर एक्स इज ऑड नंबर, ये भी आपका एम्प्टी सेट के एग्जांपल हो जाएगा। मतलब जो कंडीशन दे रहा है वो फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब कि वह सेट क्या हो जाएगा आपका एम्प्टी सेट, आपके सामने डायरेक्ट भी लिखा हो सकता है जैसा कि हमने बताया ए इक्वल टू 5 या फिर ए इक्वल टू, तो भी पहचान जाएंगे एम्प्टी सेट है, ऐसे लिखा है फिर भी पहचान जाएंगे हम तो क्या है एम्प्टी सेट है, प्लस सोचेंगे हम लोग इस फॉर्मूले के ऊपर, लास्ट में इस बेस्ट क्वेश्चन भी आपको देंगे। आगे चलते हैं, आइए अगला बात करते हैं टाइप ऑफ सेट की, तो वो है सिंगलटन सेट यानी एकल समुच्चय। नेक्स्ट है सिंगलटन सेट, यानी एकल समुच्चय, बात समझ आ रही। तो एम्प्टी सेट में हमने देखा कि कंडीशन फॉलो नहीं की, मतलब उसके अंदर कोई कंपोनेंट आएगा नहीं उस तरीके का। सिंगलटन सेट में ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर्स ऑफ कंपोनेंट 1 हो, 1 हो, उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 ये सेट है कोई, उसके अंदर कितने कंपोनेंट है, 1 कंपोनेंट है, और भी लीजिए ए लिखा हुआ ऐसे, यह सिंगलटन सेट का एग्जांपल है। नहीं, ऐसा सेट जिसके अंदर 1 कंपोनेंट हो उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे देख लीजिए, मान लीजिए कोई दिया है सेट ए इज इक्वल टू यक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 10, ये दिया है एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 10, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा ए के अंदर क्या यक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5, ये नहीं मिलेगा, सॉल्व करने के बाद 5 उधर जाएगा तो क्या बचेगा यक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5,
तो यक्स के अंदर कितने कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट है, इसलिए क्या बन गया आपका सिंगलटन सेट। तो आपको डायरेक्ट नहीं देगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में या आपके बुक्स में ऐसे क्वेश्चन बना के देगा और पूछ देगा कि आप फाइंड कीजिए, आप पता कीजिए वो कौन सा सेट है, सिंगलटन सेट है या फिर इम्पटी सेट है। तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि वो सिंगलटन सेट है या इस इक्वेशन के ऊपर कोई भी इक्वेशन हो सकता है। आप इस हमने बेस लेके आपको समझाया है, मे बी सिंगलटन सेट भी समझ में आया होगा। तो हमने दो सेट देखा, नल सेट और सिंगलटन सेट, सबसेट। नेक्स्ट क्या, सबसेट यानी इसको बोलते हैं उपसमुच्चय। उपसमुच्चय, उपसमुच्चय में भी क्या होता है, दो सेट होता है। यहां पर दो सेट होंगे, दो सेट होंगे, पहले इसको समझा देंगे तब डिफिनेशन लिखेंगे तो पहले अच्छा रहेगा। पहला सेट मान लीजिए ए है और ए की वैल्यू दिया हुआ है कि कंपोनेंट 1 2 3 4, क्लियर। और बी एक सेट दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, क्लियर। दो सेट है तो ए के सभी कंपोनेंट देख रहे हैं आप बी में है, ए के सभी कंपोनेंट क्या है आपके बी में है। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या बोलेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। और इसको दिखाएंगे कैसे, हम ए इज सबसेट ऑफ बी ऐसे, क्लियर। क्या है, ए बी का सबसेट है। तो आप समझ गया, सबसेट होने के लिए भी दो सेट होना जरूरी है। लिखेंगे इफ ए एंड बी आर टू सबसेट, टू सेट सच दैट, इस प्रकार है कि आर कंपोनेंट, आर कंपोनेंट ऑफ सेट ए इज अवेलेबल या इज प्रेजेंट इन सेट बी। बात समझ आया, यदि ए और बी दो सेट इस प्रकार हैं कि ए के सभी कंपोनेंट बी में उपस्थित हों, उस प्रकार हम कहेंगे कि ए देन ए इज सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, बी क्या सबसेट है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये चीज ऐसे। तो मे बी डिफिनेशन समझ में आया होगा, सबसेट के एग्जांपल भी समझ में आया होगा। अब बात आती है कि कहीं कहीं बुक में ऐसे और कहीं कहीं बुक में इसको ऐसे भी दिखाया जाता है इस सिंबल से भी। इन दोनों में क्या अंतर है देख लीजिए, इन दोनों में अंतर यह है, और यहां पर इसको हम लोग आधी समुच्चय या फिर सुपर सेट बोलते हैं। सुपर सेट बी क्या है आपका, सुपर सेट या फिर आधी समुच्चय बोलते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है उसको देखिए। तो पहला वाला जो है इसका मतलब है कि ए में जो भी कंपोनेंट है उनकी संख्या, क्लियर, ए में जो भी कंपोनेंट है उनकी संख्या बी वाले कंपोनेंट्स की संख्या से छोटा होगा। मतलब कि ए में जो भी कंपोनेंट होंगे उनकी संख्या बी वाले कंपोनेंट की संख्या से कम होगी, क्लियर, क्या होगी, कम होगी। जैसा कि हमने यहां एग्जांपल दिया, कम है ना। इसका मतलब क्या है कि ए के अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे उनकी संख्या बी के अंदर जो कंपोनेंट होंगे
उनकी संख्या के इक्वल भी हो सकती है, यानी इक्वल भी हो सकती है। बात समझ में आई? दोनों में अंतर समझ में आया? दोनों एक ही है, इसका मतलब बस इतना ही है कि इक्वल भी हो सकती है, और इसका मतलब है कि हमेशा ये वाला इसमें से छोटा होगा, बी वाले से। मे भी इतना क्लियर हुआ होगा सबसेट के बारे में। सबसेट से जुड़ी हुई कुछ और बातें देखते हैं। डिफिनेशन समझ में आया होगा सबसेट क्या होता है, तो सबसेट से जुड़ी हुई कुछ और बातें देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ नल सेट जानते हैं, नोटेड पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा, जो नल सेट है यह सभी नल सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। नल सेट या फिर एम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट होता है, क्योंकि जितने भी सेट होंगे उसके अंदर ऐसा एक वैल्यू होगा जो ना हो सकता हो उसके अंदर, यानी नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, मतलब कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लियर? दो चीजें आपको बात याद रखनी है सबसेट के बारे में। एक पहली बात कि नल सेट हर सेट का सबसेट हो सकता है, दूसरी बात हर जो सेट होता है खुद का सबसेट होता है। आगे चलते हैं। सबसेट से जुड़ी कुछ और बातें, जैसे मान लीजिए एक सेट लिखा हुआ है 1 2 3, एक यह सेट है, और आपसे बोला जाए कि बताइए इसकी कितने सबसेट हो सकते हैं। क्वेश्चन यह है, यह एक सेट है सेट ए, और पूछा जाए बताइए इसके कितने सबसेट हो सकते हैं। इसके सबसेट तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए वन अलग, जैसा कि बताए हैं सब अलग, हर कंपोनेंट को आप अलग अलग सेट बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट, फिर थ्री, फिर वन टू एक साथ, फिर आप ले सकते हैं टू थ्री एक साथ, फिर ले सकते हैं थ्री वन एक साथ, और जैसा कि अभी हमने लिखा कि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, तो हम इसके लिए ये भी लिख सकते हैं 1 2 3, और लास्ट में हमने ये भी बताया था वहां पिछले वाले में कि नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या 5। यानी कितना हुआ, काउंट कीजिए, ये सब सबसेट हैं किसके, ए के सब सबसेट हैं। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमने एक एग्जांपल लिया ए छोटा सा, और कितने सबसेट बन गए 8 सबसेट बन गए। मान लीजिए 3 की जगह बहुत ज्यादा होता तो हम कैसे काउंट करते हैं, एक एक लिख के काउंट करते रह जाएंगे, तो उसके लिए फार्मूला है क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 के पावर। क्लियर? नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 के पावर नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेट। क्लियर? नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेट, जैसे कि मान लीजिए हम डायरेक्ट यहां बता सकते हैं 2 के पावर कितने कंपोनेंट है 1 2 3, एंड इसके सबसेट कितने होंगे 8। क्लियर? अभी यहां लिखा होता
ज्यादा लिखा होता, कोई सेट होता ए और लिखा होता इसके अंदर 1 2 3 4, पूछा जाए इसका कितना सबसेट होगा, तो 2 की पावर 1 2 3 4 लगा दो, कितना हो जाएगा 16। यदि यहां पर एक और होता 6, अब पूछा जाएगा कितने इसके कंपोनेंट सॉरी सबसेट होंगे, तो 2 की पावर 1 2 3 4 5 32 होंगे। क्लियर, इसका मतलब जानते ही आप लोग, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 4 32। क्लियर, ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं किसी एक सेट का सबसेट, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। मे बी इतना चीजें आपको समझ में आई होंगी टाइप ऑफ सेट और सबसेट के बारे में। और भी चीजें हैं पावर सेट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लास्ट में हम इससे जुड़ी हुई कुछ क्वेश्चंस आपको दे देंगे, आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें।